तो ये रही मारुति सुजुकी 800 और इस कार को आज हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो ये काफ़ी महीने से खड़ी थी घर पे, तो इसे स्टार्ट करने की कोशिश किया है किसी मैकेनिक ने। जैसे देख सकते हैं आप, इसका एयर फिल्टर खोला पड़ा है और सामने डैशबोर्ड पे स्पार्क प्लग भी पड़े हैं खोले। तो खोलते हैं बॉनेट और चेक करते हैं इसका और क्या क्या खोला पड़ा है। खुल चुका है हमारा बॉनेट और आप देख सकते हैं पूरा जो सामान है इंजन का पूरा बिखरा पड़ा है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर तो पॉइंट और पॉइंट कंडेंसर दोनों ही नहीं है और इग्निशन कॉइल नया दिख रहा है इसके अंदर। तो इससे मालूम पड़ता है कि इस पे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया है लेकिन गाड़ी कुछ स्टार्ट हुई नहीं है। और इसका फ्यूल टैंक भी साफ किया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर पानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। चेक कर लेते हैं हम इंजन ऑयल। तो इसमें इंजन ऑयल भी ठीक है। तो हमने कर लिया हमारी कंप्लीट किट तैयार। तो हमें सारे टूल्स लेके हम जा रहे हैं अब कार के पास। तो सबसे पहले हम फिट करते हैं इसके अंदर स्पार्क प्लग। उससे पहले हमें कर लेना है और देख सकते हैं आप इसके अंदर इग्निशन स्विच भी डाला हुआ है नहीं, और ये शायद पेट्रोल है। तो हमने स्पार्क प्लग को कर लिया अच्छे से क्लीन और इसके बाद करते हैं हम स्पार्क प्लग को हेड में फिट। तो ये हो चुके हमारे स्पार्क प्लग टाइट और इसके बाद में हम ले रहे हैं इंजन को टाइमिंग पर, TDC पोजीशन पर। तो आपको इसको देखना है जहाँ गेयर बॉक्स का होल है, तो होल के जगह आपको एक रबर की कैप दिखेगी, आपको हटा लेना है और उसके बाद ही जो है आपको TDC मार्क दिखेगा। तो आपको इसे धीरे धीरे घुमाना है और आपको उसके ऊपर नंबर शो होंगे, जैसा है 3, 20, 10 और आखिरी में आपको मिलेगा T। तो आपको T के ऊपर इंजन को होल्ड कर लेना है। तो ये आ चुकी है हमारी T। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मार्किंग है इसके ऊपर और ये मार्किंग के ऊपर ही आपको T दिखेंगी। ये आ गई है, ये दिख रही जो है आपको बारीक T, इसके ऊपर ही आपको इंजन को होल्ड करना है। तो ये आ चुका है हमारा इंजन का टाइमिंग। अब चेक करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर का टाइमिंग आया है या नहीं। तो उसके लिए हमें लगाना है सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर कैप और आप देख सकते हैं ये रहा फर्स्ट प्लग। तो फर्स्ट प्लग का जो केबल्स है उसी साइड में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कैप जो है वो आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तो उसी साइड में आया है हमारा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है वो एकदम परफेक्ट लगा है इसके अंदर। तो हमें सिर्फ इसके अंदर सेट करना है अभी पॉइंट कंडेंसर। तो ये रहा पॉइंट और ये रहा कंडेंसर। तो आपको दिखाते किस तरह से इसे फिटिंग करते हैं। जो आप एरो देख रहे हैं इसे 4 कॉर्नर्स है, यानी 4 पिस्टन अगर गाड़ी है तो उसमें 4 कॉर्नर्स आएंगे और 3 पिस्टन है तो उसमें 3 कॉर्नर्स आएंगे। तो पिस्टन वाइज से सीक्वेंस में चेंजेस होते रहते हैं। तो आपको कॉर्नर के ऊपर ही जो प्लास्टिक का ब्रेकर दिख रहा है उसके ऊपर रखना है और ध्यान से रखना है क्योंकि इसके अंदर डावेल आती है और डावेल में जो है वो हमारा जो पॉइंट है वो अच्छे से बैठता है। अगर वो पॉइंट बैठेगा नहीं तो आपका बैलेंस जो है पॉइंट का वो बनेगा नहीं ठीक तरीके से। तो देख सकते हैं आप इसमें एडजस्टिंग होती है, एडजस्टिंग के हिसाब से आपको कितनी गैप मेंटेन रखना है उसके हिसाब से आपको स्क्रू को टाइट करना है।
तो इसमें ज़्यादा हमें गैप नहीं चाहिए। ज़्यादा अगर गैप रहेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, और कम अगर गैप रहेंगी तो गाड़ी गर्म आएंगी और स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देंगी और फटाके मारेंगी। तो इसे आपको एकदम हल्की गैप रखना है इसके अंदर, और स्क्रू को टाइट कर देना है हमें अच्छे से। तो हमने जो इसके अंदर प्लगिंग कर ली है, सारे जो कनेक्शंस वगैरह कर दिए, और ये रहा प्लास्टिक का ये मेन पार्ट है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो गाड़ी जो हमारी स्टार्ट होंगी नहीं कभी। तो ये आप ध्यान से लगाएं, इसके अंदर ब्लैक कलर का है, वैसे वाइट कलर का आता है टीवीएस के अंदर। तो ये जो हमारा पॉइंट कंडेंसर है वो अच्छे से उसके अंदर बैठ चुका है, और देख सकते हैं आप इसमें कितनी गैप रखे हैं हमने। तो इसी तरीके से आपको भी गैप रखना है, ना ज़्यादा ना कम। मेरे पास फिलर गेज नहीं थी करके आपको दिखाया नहीं मैंने कि किस तरीके से इसमें गैप रखा है, कितने एमएम रखा है। तो ये रहा हमारा कैप। तो कैप लगाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह लगा देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आप पॉइंट कंडेंसर सेट करते हैं वो टाइमिंग पे ही मिला के कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर कैप खोल के, और जो आपका जो कैम, जो रोटर के जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो कैम है, जो उसका जो कॉर्नर्स आते हैं 3 कॉर्नर्स, तो वो कोई भी कॉर्नर्स पे लेके जो पॉइंट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपकी गाड़ी इजीली स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे कोई ज़रूरत नहीं ऐसी टाइमिंग मिलाने की, एकदम इजी तरीके से हमारी जो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। टाइमिंग वगैरह मैंने इसलिए चेक किया है, क्या मैकेनिक जो जिसके पास गई थी गाड़ी, अगर उसने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह कुछ छेड़ा हो, तो इसीलिए मैंने जो उसका टाइमिंग है उसे चेक किया था। बाकी कुछ ऐसा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखते हैं हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। तो इस कार की सेल्फ मार मार के बैटरी डाउन हो चुकी थी पहले ही, और हमने अभी मारा तो बैटरी पूरी तरीके से डाउन है। तो हम बैटरी से चेंज करेंगे, तो वह डाल दी हमने न्यू बैटरी, और ये रही पुरानी बैटरी। अब देखते से स्टार्ट करके, जो हमारा है वो स्टार्ट हो चुका है, और हमें इंजन में कोई बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट सेट करने का ही मिला है, और उसमें फ़िलहाल में जो तो पॉइंट था भी नहीं। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो पॉइंट कंडेंसर की थी, और काफ़ी छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम के वजह से ही जो हमारी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होता। और जो इसके अंदर पॉइंट कंडेंसर पुराना जो था वो था ही नहीं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम वो कहाँ कर रहे थे पॉइंट सेट कर। पॉइंट कंडेंसर वाली गाड़ियाँ, या बोले तो कार्बोरेटर वाली गाड़ी, ये काफ़ी इजी होती है। इसमें कोई भी एसीएम वगैरह या वायरिंग का ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ एक इग्निशन कॉइल और एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक कार्बोरेटर, बस इन्हीं तीनों के वजह से जो इंजन है वो स्टार्ट होता है।